हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी फिजिक्स। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम को कैसे मेज़र किया जा सकता है और जो टाइम होता है वो क्यों हमें प्रिसाइज या फिर एक्यूरेट चाहिए। सो इसीलिए हमारे पास अभी के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है वो सीजियम एटम्स के वाइब्रेशन से निकाला जाता है कि अगर हमें टाइम को एक्यूरेटली एग्जैक्टली प्रिसाइसली मेज़र करना है तो हम सीजियम क्लॉक का यूज़ करते हैं जो कि अभी के टाइम पर स्टैंडर्ड यूनिट है। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सीजियम एटॉमिक क्लॉक, फर्स्ट वी शुड गो इनटू द हिस्ट्री। द हिस्ट्री इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में कभी भी पूछा नहीं जा सकता। बट जस्ट जैसे भी कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, तो हम भी करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले के टाइम पर जो क्लॉक्स होती थी, राइट, यानी कि हमारी तरह ऐसे डिजिटल क्लॉक या फिर वॉल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच नहीं होती थी, वहाँ पर उनकी क्लॉक जो होती है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन से डिटरमाइन की जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई किंग है, कोई राजा है, उसको अपने कोई सैनिक को या फिर सेनापति को कुछ काम देना है कि जो भी यहाँ पर हमारे सैनिक है उन सैनिक को आप जो वर्क है वो वर्क को डिवाइड कर दो। तभी वो कैसे वर्क को डिवाइड करेगा, अभी उसको इक्वली डिवाइड करना है, तो वो क्या करेगा कि जब दिन होता है तो दिन में इतने सैनिक, सपोज 10 सैनिक इस पर्टिकुलर जगह पर काम करेंगे, और जब रात होगी तो वो शिफ्ट चेंज हो जाएगी, ये जो सैनिक है वो रेस्ट करेंगे, दूसरे कोई सैनिक आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्क को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, कुछ जो अर्थ के रोटेशन था, राइट, अर्थ का जो रोटेशन है उस रोटेशन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पर जो टाइम है उसका रोल क्या हुआ, जो टाइम है यानी दिन का टाइम, रात का टाइम, तो हमने पूरे दिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो टाइम को डिवाइड करके हमें क्या फ़ायदा मिला कि हम जो वर्क है उसको डिवाइड कर पाए। जैसे सुबह में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को हम लोग लंच लेते हैं, रात को डिनर लेते हैं, तो पहले के ज़माने में भी ये सब था, राइट, लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं था कि हमें एक बजे ही डिनर लेना है। जैसे ही सन ऊपर आ जाता है उन लोग लंच ले लेते हैं, जैसे ही सन बाहर आता है यानी सनराइज होता है उन लोग ब्रेकफास्ट लेते थे, और जैसे ही दिन ढल जाता है, सनसेट होता है, डिनर लेते थे। तो अभी के टाइम पर तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्लॉक है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टाइम है, हमारा वर्क है, उसको डिवाइड करते थे। तो पहले के ज़माने में भी ये रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहाँ पर इतना स्टैंडर्ड टाइम नहीं था। सो रोटेशन, लेकिन रोटेशन से क्या होता था कि जैसे विंटर आती है तो विंटर में दिन छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती है, तो दिन में जो सैनिक काम करते हैं उनको थोड़ा काम करना पड़ता है, जो नाइट में काम करते थे उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होने लगा रोटेशन के हिसाब से। और कोई एक पर्टिकुलर जगह पे आपको कितने दिन काम करना है, तो वहाँ पर सोलार डेज यानी हर एक सनराइज को एक दिन गिना जाता था। तो वैसे जब अर्थ सन के अराउंड जब एक रिवॉल्यूशन ख़त्म करता है तो उसे एक साल कहा जाता है। तो पहले के टाइम पे आपने जो मोहनजोदारो मूवी है उसमें भी सुना होगा, एक डायलॉग है, 15 बरसात पहले मैंने मोहनजोदारो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया, अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा, तैयारी आरंभ कर, 2 सूरज बाद जानी और मूंजा का मेल होगा। सो यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि इतने सूर्य दिन बाद, राइट, इतने सूर्यास्त के बाद या फिर इतने सनराइज के बाद, तो यहाँ पर जो एक सनराइज को एक दिन माना जाता है, 2 सनराइज को 2 दिन माना जाता है। तो यहाँ पर वैसे जब अर्थ एक पूरा चक्कर लगाता है सन के आजू बाजू, सन के अराउंड, तभी वो 365 जो सनराइजेस होती है वो कंप्लीट होती है। और तभी के टाइम पर वैसे डिवाइड कर देते थे कि
30 सनराइज है आपको वर्क करना, या फिर 20 सनराइज है आपको वर्क, 28 सनराइज इस सैनिक को यहाँ पर वर्क करना है, वैसे डिवाइड कर दिया जा सकता था। देन फिर वहाँ से उसको चेंज करके शिफ्ट चेंज कर देते थे कि अभी आपको यहाँ पे नहीं और 28 सनराइज है आपको यहाँ पर काम करना था। तो वैसे सन और अर्थ के बीच का जो रिलेशन है, जो रोटेशन रिवोल्यूशन का रिलेशन है, वहाँ पर हम टाइम को डिवाइड करते थे। फिर क्या आया, मून। जैसे आपने सुना होगा कि कहीं सारे कैलेंडर्स में 28 डेज होते हैं, तो 28 डेज क्यों होते हैं, तो मून को एक जो अर्थ के अराउंड जब मून रिवोल्व करता है तो उस रिवोल्यूशन में मून को 28 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, राइट। तो वहाँ पर मंथ का कंसेप्ट आया, राइट। और फर्स्ट यहाँ पे रिवोल्यूशन से ईयर का कंसेप्ट आया, देन द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, वहाँ पर मंथ का कंसेप्ट आया, एंड जैसे वीक का कंसेप्ट, तो यहाँ पर अर्थ से आप सेवन प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट्स नहीं, सेवन सेलेस्टियल बॉडीज को इजीली देख सकते हो। जैसे मून होता है, फिर जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, मार्स होता है, वीनस होता है, मर्क्यूरी होता है। तो ये सारे प्लैनेट्स के नाम पर हमारे जो सोम, मंगल, बुध, गुरु, तो ये सारे प्लैनेट्स के नाम है, तो उनके नाम के अकॉर्डिंगली हमने जो मंथ होता है उसको वीक्स में डिवाइड किया है, राइट। अभी वो क्यों वीक्स में ऐसे डिवाइड हुआ, हम कौन से दिन पर किसको देखते हैं, या फिर क्या इसके पीछे का रीज़न है, वो आपको फाइंड करके कमेंट्स में लिखना है। देन सीजनल चेंजेस, तो आपने फार्मर को देखा होगा, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही मानसून आता है उनके लिए नया ईयर हो जाता है। और आप देखो तो बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर क्रिसमस, राइट, तो वहाँ से विंटर की शुरुआत होती है, वैसे सब है। तो सीजनल चेंजेस को भी टाइम के अकॉर्डिंग टू कंसिडर किया जा सकता था पहले के ज़माने में, लेकिन अभी क्या होता है, बारिश कभी भी आती है, ठंड कभी भी होती है, तो वैसे सीजनल चेंजेस को हम लोग स्टैंडर्ड नहीं ले सकते हैं। वैसे अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जो अदर सेलेस्टियल फिनोमेना होते थे, जैसे हेलिस कॉमेट का दिखना, तो हर 76 ईयर्स में एक बार दिखती थी, तो वैसे सेलेस्टियल फिनोमेना को हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते थे। देन स्टेलर कॉन्स्टिलेशन, तो आपने नक्षत्र सुना होगा, अरसा मेजर, वैसे अरसा माइनर, सो कहीं सारे कॉन्स्टिलेशंस, यानी अलग अलग शेप्स जो फॉर्म होता है, जो हमें स्टार्स दिखते हैं, वैसे हम लोग अलग अलग शेप्स, वो स्टार्स का अगर हम लोग कनेक्ट करें तो हमें एक शेप दिखता है, तो वो जो शेप है वो कंटिन्यूसली हर रोज़ नहीं दिखता है। अगर 6 महीने बाद अगर आप फिर से देखो तो वो जो शेप है वो वहाँ पर नहीं होगा, वो जो नक्षत्र है वहाँ पर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, अगले एक साल बाद वो फिर वही पोजीशन पे आ जाएगा। सो वो हर रोज़ थोड़ा 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 मूव करते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट है उसको कंसिडर करके भी हमने टाइम को डिवाइड किया था। लेकिन ये जो सारे हैं वो चेंजेस या पूरा दिन मेज़र करने में, या फिर पूरा मंथ मेज़र करने में, या फिर पूरा ईयर, या फिर कहीं सारे साल को मेज़र करने में यूज़ होते थे। अगर मुझे 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे का अगर टाइम मेज़र करना है, तो मैं इस सारे जो है फेनोमेना, या फिर ये जो सारे हमारे पास टाइम के लिए मेज़रमेंट है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते थे। फिर आया पेंडुलम। सो पेंडुलम तो आपने देखा ही होगा, राइट, कि वो ऑसिलेट्स होता है ऐसे ऐसे, सो टू एंड फ्रो, या फिर अप एंड डाउन। सो वो जो ऑसिलेशंस होता है, तो वो 1 सेकेंड में सपोज 1 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, तो वो जो 1 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है उससे हम लोग ने बोल दिया 1 सेकेंड्स। तो अभी सेकेंड्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो दिन होता था उस दिन को उन्होंने 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उस 24 इक्वल पार्ट्स को उन्होंने 24 आवर्स बोल दिया। फिर उस 24 आवर्स में जो 1 आवर्स था, उस आवर को उन्होंने 60 मिनट्स में डिवाइड कर दिया, देन उस 60 मिनट्स को और 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो ये हो गए 60 सेकेंड्स। तो जो पूरा दिन होता था वो होता था 86,400 सेकेंड्स का। तो अभी इतनी सारी जो सेकेंड्स है, यानी ये पूरे दिन में जितनी सेकेंड्स आते हैं, तो उन लोग को पता था कि अगर हम लोग सिर्फ वहाँ पे, तो क्या था, थियरी बनानी थी, तो थियरी बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन इसको मेज़र करना, कि 1 सेकेंड को मेज़र करना, 10 सेकेंड को मेज़र करना, वो डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो पेंडुलम आया, लेकिन पेंडुलम में भी वहाँ पे जो पेंडुलम जब मूव करता है तो फ्रिक्शन होता है,
तो उस फ्रिक्शन से हम लोग एक्यूरेटली या फिर प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते थे। और जो पेंडुलम होता है वो हर जगह पे, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे सपोज जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 है, अभी मैं दूसरे कोई कंट्रीज में जाता हूँ तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो 9.78 होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो चेंज होता है हर अलग अलग जगह पे। तो इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड मेजर नहीं ले सकते थे। और आपने कई सारे मूवीज में सैंड क्लॉक भी देखा होगा, राइट? तो वो सैंड क्लॉक आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसने 10 सेकेंड या 5 सेकेंड या 1 सेकेंड में जो पूरा सैंड है वो ऊपर से नीचे आ गया, राइट? तो सैंड क्लॉक में भी ये प्रॉब्लम होता था कि एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चलता था। सो स्लोली स्लोली क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा और हमारे पास आने लगे क्वार्ट्ज क्लॉक, फिर आने लगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, राइट? ये जो क्वार्ट्ज, सीजियम एंड रुबिडियम है, इसको बोला जाता है क्वार्ट्ज क्लॉक, जो हमें रिस्ट वॉच में भी लिखा होता है क्वार्ट्ज, फिर वॉल क्लॉक में भी लिखा होता है क्वार्ट्ज। सो इसको बोलेंगे क्वार्ट्ज क्लॉक और इसको बोलेंगे सीजियम और इसको बोलेंगे रुबिडियम। सो ये जो दो क्लॉक है वो एटॉमिक क्लॉक्स होती है, वो एटॉमिक जो एटम्स होते हैं उनके वाइब्रेशन से होते हैं। तो इसको हम देखते हैं एनिमेशन से ये कैसे काम करता है। तो फिर इसको ये क्वार्ट्स नाम मिला कहाँ से? तो जो क्वार्ट्स होता है वो एक टाइप का मिनरल होता है जिसकी केमिकल फॉर्मूला है SiO2, जो कि हमें अर्थ में से मिलता है। अगर इस क्वार्ट्स के ऊपर आप कोई भी प्रेशर डालते हैं तो उस प्रेशर से, उस वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, जिसको हम कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पियाजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इस इफेक्ट को यूज़ करके हम लोग उसे बहुत ही छोटा बनाते हैं और फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो एक सेकेंड में 32,768 टाइम्स वाइब्रेट होता है, यानी कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 32,768 हर्ट्स है। फिर उसको मशीन से कैलिब्रेट करके उस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया जाता है। तो देखते हैं ये क्वार्ट्ज कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो बैटरी से जुड़ा है। अब जैसे ही हम बैटरी से वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो क्वार्ट्ज है जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा, यानी पर सेकेंड 32,768 टाइम्स वो वाइब्रेट होगा। और वो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो एक चिप से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही ये एक अपने जो फ्रीक्वेंसी वो फिनिश करता है, यानी वो 32,768 टाइम्स जैसे ही वो वाइब्रेट होता है, वैसे उसी टाइम पर वहाँ से जो एक माइक्रोचिप कनेक्ट होती है वहाँ से एक सिग्नल निकलता है और वो सिग्नल सीधा जाता है मोटर में और वो मोटर रोटेट करती है और हमारा जो क्लॉक है उस क्लॉक में हमारे पास जो सेकेंड हैंड होता है, जो आर हैंड होता है और जो मिनट हैंड होता है वो रोटेट करते हैं। तो ऐसे काम करती है क्वार्ट्ज क्लॉक। तो हम लोग बात करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में। तो जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं। सीजियम एटॉमिक क्लॉक होता है, फिर हाइड्रोजन एटॉमिक क्लॉक होता है, रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक होता है, एल्यूमिनियम एटॉमिक क्लॉक होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो है सीजियम एटॉमिक क्लॉक। तो जो सीजियम होता है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में होता है और इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है कि हर एक लेवल आपको एनर्जी लेवल्स इंडिकेट करता है और हर एक लेवल में, हर एक शेल में सब शेल्स होते हैं, यानी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एनर्जी लेवल पे है और उसके भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब हम जब इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इस एटम को एनर्जी सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, माइक्रोवेव के फॉर्म में, तो उसी दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और दो हाइपरफाइन लेवल्स, यानी जो दो सब एनर्जी लेवल्स है जिसके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है उसको हम लोग हाइपरफाइन लेवल बोलते हैं, तो वो दो हाइपरफाइन लेवल के बीच में वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जब
ये एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो 9192631770 टाइम्स एक सेकेंड में वाइब्रेट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी जैसे ये इतने टाइम्स वाइब्रेट करता है, वहाँ पे जो काउंटर होता है वो काउंट करता है कि एक सेकेंड हो गई। फिर से वो एटम क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर से उसका इलेक्ट्रॉन हाइपर फाइन लेवल के बीच वाइब्रेट करेगा, और जैसे ही इतने वाइब्रेशंस ख़त्म होते हैं वो काउंट करेगा अनदर वन सेकेंड। तो फिर ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा और हम टाइम काउंट कर पाएंगे। तो फिर क्यों हमें सीजियम एटम की ज़रूरत पड़ी? हमारे पास जब क्वार्ट्स था सेम मैकेनिज्म पर काम करता था, तो जो क्वार्ट्स होता है उसमें जो वाइब्रेशंस होता है, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज होती रहती है। अगर आप एक महीने तक ऑब्जर्व करें तो एक महीने में 10 से 15 सेकेंड की क्वार्ट्ज क्लॉक में एरर आती है। लेकिन जो सीजियम एटम होता है उसमें अगर आप करोड़ों साल तक भी देखें तो भी जो एरर होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लोग सीजियम एटम्स का यूज़ करते हैं इन द एटॉमिक क्लॉक। सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में आपको कोई भी अच्छे से नहीं समझा सकता, मैं भी नहीं, जब तक आप खुद एमएससी फिजिक्स या फिर फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़े। और अगर आपको समझना है तो यहाँ पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का चैनल है यूट्यूब में, आप वहाँ पर फाइंड करके एक एनिमेटेड वीडियो है जिसमें आपको समझाया जाएगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन आपको अच्छे से 100% सही में समझना है तो आपको फिर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। सो ये जो सारे क्लॉक हैं, ये सारे हम लोग साइंटिफिक मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्वेशंस में यूज़ करते हैं। ये तो होता ही है, अगर हमें प्रिसाइसली एक्यूरेट किसी चीज़ का उसी टाइम पर मेजरमेंट चाहिए तो हम लोग ये वाले सीजियम जो क्लॉक होता है उसको हम लोग अभी स्टैंडर्ड माने हुए हैं, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं सारे जो आपने सुना होगा कि मोहनजोदारो है वो 5000 ईयर्स पुराना है, तो हमें कैसे पता चला? फिर जो डायनोसर्स थे वो इतने पुराने हैं, वो हमें कैसे पता चला? फिर हमने देखा कि जो हमारा अर्थ है राइट, वो 500 मिलियन ईयर्स पुराना है या फिर 5 बिलियन ईयर्स पुराना है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो रॉक है या फिर अर्थ है या फिर मून है, ये पर्टिकुलर प्लेनेट इतना पुराना है? सो उसके लिए हम लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग या फिर डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सो ये जो सारी मेथड्स है वो जनरली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या फिर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस में यूज होती है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में क्या होता है कि हम लोग 50 हर्ट्स, यानी अभी जो हमारे घर पे जो एसी अल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी करंट राइट, सो वो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स का आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स क्या इंडिकेट करता है कि एक सेकेंड में वो जो करंट है वो 50 टाइम्स ऑसिलेट होता है। तो अभी उसकी 50 साइकल्स आएंगी, तो हमारे पास एक चिप होगी, उस चिप में हम लोग ये 50 हर्ट्स का करंट सेंड करेंगे। तो जैसे 50 हर्ट्ज का करंट वहाँ पर आता है, तो जैसे 50 साइकल्स ख़त्म होती है वो एक चिप को एक सिग्नल सेंड करेगा राइट, यानी ये 50 हर्ट्ज का करंट ये चिप में जाएगा और ये चिप एक सिग्नल सेंड करेगा कि एक सेकेंड हो गई। अनदर जब 50 साइकल्स, दूसरी 50 साइकल्स ख़त्म होगी तो दूसरी, वैसे 60 टाइम्स ये 50 हर्ट्ज की साइकिल, 50 हर्ट्ज वाली साइकिल, यानी फर्स्ट 50 साइकिल्स, देन अनदर 50 साइकिल्स, देन थर्ड, वैसे 60 टाइम्स जब 50 साइकिल्स ख़त्म होगी तब हमें एक मिनट मिलेगा। तो यहाँ पर जो चिप है वो क्या काम करती है, हर 50 साइकिल्स पे यानी हर 50 हर्ट्ज पे वो क्या करेगी, हमें एक सिग्नल सेंड करेगी और दिखाएगी कि एक सेकेंड हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स में ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसका भी सेम काम होता है, वो भी ऐसे चीप होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एसी करंट देते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होता है वो एसी करंट जनरेट करके फिर चिप में जाएगा और सिग्नल देगा। सो ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो वर्किंग है वो सेम होता है। और डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ये जो रेडियो एक्टिव डीके है, दोनों वैसे तो कॉमन ही है। जैसे हम लोग बात करें तो सीजियम,
जो सीजियम है यहाँ पर भी हम लोग जो यूज करते हैं सीजियम 133, तो उसकी जो हाफ लाइफ, अभी हाफ लाइफ क्या होती है, तो जैसे आपने एक बर्तन लिया उसमें आप पानी भर लिया, अभी आप उसको 1 या 2 घंटा बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा। तो आप देखें कि ये मैंने उसको पूरा भरा था, अभी कितने टाइम बाद उसका अमाउंट हाफ हो गया, राइट। तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, वो एक्चुअल नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। बट वैसे ही अगर सीजियम मेरे पास 10 ग्राम्स का है तो मैं उसको पैक करके रख देता हूँ, अभी मैं उसको आफ्टर 28 ईयर्स के बाद अगर मैं उसको खोलता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 5 ग्राम। सो इसमें क्या हुआ, ये पूरा जो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी थी उससे वो आधा हो गया, कितने साल बाद, 28 साल बाद। तो इसको हम लोग बोलते हैं उसकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो अपने जो ओरिजिनल अमाउंट होता है ओरिजिनल अमाउंट से आधा हो जाता है उतने टाइम में, वो जो टाइम होता है उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। अब ये 5 ग्राम है और 28 ईयर्स के बाद मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम। सो यहाँ पर भी डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में और रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड उसमें भी यही सेम चीज़ का यूज होता है। तो ये रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड है, आपने क्लास 10 में सुना होगा कि कार्बन डेटिंग करके एक मेथड आता है, जो फोसिल्स यानी जो डायनासोर्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज होती है, उन डेड बॉडीज की एज निकालना कि ये कितने पुराने हैं, कितने साल पुराने हैं, तो वो हमें देखना है, उनकी एज डिटरमाइन करनी है। तो उस एज डिटरमाइन करने की जो मेथड है उसे हम लोग कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग, फिर और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, राइट। उसमें रेडिएशंस निकलते हैं, ये कैसे हाफ हो गया, तो उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, वो आधा आधा हो जाता है, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। अब ये सब कैसे होता है, तो आपको जो न्यूक्लियाई और एटम चैप्टर है क्लास 12 में वो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर वो होता है, सो जैसे ये कार्बन 14 है तो कार्बन डेटिंग मेथड है उसमें क्या होता है, जो कार्बन 14 है यानी एक आइसोटोप है उसकी जो हाफ लाइफ है, यानी वो मेरे पास 10 ग्राम का है तो 5 ग्राम होने में उसको कितना टाइम लगे, 5730 ईयर्स, यानी 5730 ईयर्स लगेंगे उसको हाफ होने में। तो ये मेथड कैसे यूज होता है, तो जब भी हम लोग ट्रीज या फिर प्लांट्स को हम लोग जब खाते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उससे वो अपना खाना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तो जितना अमाउंट कार्बन 12 का आएगा, राइट, ये कार्बन 14 है वो कार्बन का आइसोटोप है और ये कार्बन 12 है वो भी एक आइसोटोप है कार्बन का, तो जितना अमाउंट कार्बन 12 का बॉडी में आएगा उतना ही कार्बन 14 का आएगा, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 1 होगा, राइट। तो वो रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। सो अभी जब बॉडी कोई भी एनिमल या फिर उसकी डेथ होती है तो उसकी जो डेड बॉडी है उसमें से जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव यानी उसका डीके होता है, वो धीरे 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 कम होता है, उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं तो ये कम हो जाता है, तो उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता है, राइट। तो उसका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कितना होगा, तो जितना कार्बन 12 का है, ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, ये जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सपोज हमें डायनासोर मिला तो उस डायनासोर की बॉडी में हम लोग चेक करेंगे कि कितना कार्बन 12 है, राइट। सो अभी कितना कार्बन 12 है, उतना ही जब ये डायनासोर की डेथ हुई होगी उतना ही कार्बन 14 होना चाहिए, राइट। तो हमें पता चल गया कि इनिशियल अमाउंट ऑफ कार्बन 14 कितना था। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इसकी बॉडी में डायनासोर की बॉडी में कितना कार्बन 14 है, तो अगर सपोज इनिशियली वो जो अमाउंट है फॉर एग्जांपल हम लोग माने कि 100 ग्राम है, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। तो अभी वो 5000 साल के बाद कितना होना चाहिए, यानी 5730 ईयर्स के बाद वो 100 ग्राम में से यानी 100 ग्राम में से 50 ग्राम्स होना चाहिए। तो सपोज वो बॉडी में से हमें 50 ग्राम्स यानी इनिशियल अमाउंट दोनों का 100 ही होना चाहिए, अगर ये 100 ग्राम है तो ये भी 100 ग्राम होना चाहिए। तो हमने देखा कि जब डायनासोर की डेड बॉडी निकाली तो हमें ये 100 ग्राम मिला लेकिन ये तो 50 ग्राम मिला, यानी ये ओरिजिनल अमाउंट से आधा हो गया।
अभी आधा हो गया, इट मीन्स इसको आधा होने में कितना टाइम लगता है, 5730 years. इट मीन्स ये जो बॉडी मिली वो 5730 years पुरानी है. वैसे ही कितना अमाउंट मिलता है कंपेरिजन टू कार्बन 12, कार्बन 14 का कितना अमाउंट है कंपेरिजन टू कार्बन 12, वो देख के हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये जो फॉसिल है या फिर ये प्लांट है या फिर ये कोई एनिमल की डेड बॉडी है या फिर कुछ भी है, उसको हम लोग इजीली ये कार्बन डेटिंग मेथड, अभी ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो सिर्फ 50,000 ईयर्स तक ही मेजर कर सकते हैं. अगर कोई बॉडी है वो 50,000 ईयर्स पुरानी है तो हम लोग वहाँ पर यूरेनियम या फिर और कोई एलिमेंट का यूज कर सकते हैं. सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स वी हैव डिस्कस. सो इफ यू लाइक दिस देन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.